नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने पर मुख्यमंत्री पर हो FIR दर्ज, सुभाष बोहर। विदिशा जिले के नगर पठारी में ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुभाष बोहर ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने पर भादवी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कांग्रेस कमेटी ने की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हुई FIR को सरकार की नाकामी बताया एवं जिस तरह से इस महामारी में लोगों को इंजेक्शन, ऑक्सीजन व अस्पतालों बेड के लिए भटकना पड़ रहा है, यह सरकार की विफलता का परिणाम है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विदिशा पठारी से आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। ज्ञापन दिया है हमारे नेता कमलनाथ जी के खिलाफ, जो झूठी FIR शिवराज सिंह चौहान द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई गई है, ये अत्यंत निंदनीय है। जबकि FIR शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ होनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश में लाखों लोग कोरोना के कारण मरे हैं, इसका आंकड़ा शमशान घाटों से और कब्रिस्तानों से लिया जा सकता है, जो स्पष्ट है। इसके बाद भी जो लाखों लोग मरे हैं, उन्हें केवल हजारों में बता रहे हैं, इस बात को कमलनाथ जी ने उठाया था। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, इस बात को उठाया था। इसके कारण शिवराज सिंह चौहान ने आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ FIR दर्ज की है, जो पूरी तरह निंदनीय है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ खड़ा है, हर स्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा और आने वाले समय में घर घर जाकर हम कोरोना से मरने वाले समस्याओं को जनता को बताने का काम करेंगे। जैसे अभी अभी मुझे यहाँ बात हुई थी हाजी साहब से, नवीद जाविन साहब से, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि इंडियन वारंट, ये तो इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं, विदेश के राष्ट्र कह रहे हैं, बाहर से लोग कह रहे हैं कि अब चाइना का कोरोना नहीं रहा, अब ये भारत का कोरोना हो गया है। इस बात में कमलनाथ जी ने ये कहा था कि ये भारत में कोरोना है, लेकिन इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और उसके खिलाफ में उनके खिलाफ में FIR की गई है दोषपूर्ण तरीके से। कमलनाथ जी विदेशी आदमी तो है नहीं है, दोषारोपण नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं उस चीज़ के लिए कि भाई विदेश ये कह रहा है हमारे विषय में, हमें इसके विषय में और आगे बढ़कर अच्छा काम करना है कोरोना के विषय में। लेकिन राजनीति में जो चीज़ चल रही है, जब उनकी सरकार गरादी बनी बनाई, तो वो इस तरीके की FIR और इल्ज़ाम लगाना तो बीजेपी के लिए नई बात नहीं है।